छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बदलाव का दौर जारी है। पहले मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, उनके जगह संगठन में दीपक बैज को नया पीसीसी चीफ बनाया गया है। प्रेम साय सिंह टेकाम ने भूपेश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, विधानसभा में हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस के साथ मुकाबला करने में बीजेपी सक्षम है। कांग्रेस में परिवर्तन का दौर चल रहा है। कांग्रेस में आज तक परिवर्तन का दौर चल रहा है। 4.5 साल बीतने के बाद पीएस सिंहदेव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदले, आगे भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं एक दो दिन में, तो कांग्रेस में परिवर्तन का दौर चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है और इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस कितना भी प्रयोग कर ले, परिवर्तन कर ले, जनता का निर्णय अटल है। राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का वो निर्णय अटल रहेगा और कांग्रेस जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आना लगातार चला है। लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आते रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में आते रहे हैं। मैं भी अनेक अवसर पर नारायणपुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ गया हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरा योगदान कर रही है, केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा भी करते हैं और केंद्रीय नेताओं के आने से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर काम कर रहा है और जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तब चालू होगी, निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चला चलने की बेला है और जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया पर एक भी वादा जन घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया, माताओं बहनों को ठगा, युवाओं को ठगने का काम हुआ, बुजुर्गों को ठगने का काम हुआ, राज्य के हर वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को ठगने का काम हुआ और आज छत्तीसगढ़ को राज्य की कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है और प्रदेश में विकास के सारे काम ठप्प पड़े हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है। युवाओं में जो आक्रोश है, जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ, जिस प्रकार से जितनी भर्तियां अब तक हुई है, 4 साल तक तो कोई भर्ती नहीं हुई, अब जो भर्तियां हो भी रही है अंतिम समय में युवाओं के आंखों में झूल ठोकने के लिए उन भर्तियों में जिस प्रकार की धांधलियों की खबर आ रही है, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय है, अत्याचार है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर छला गया युवाओं को और ये सरकार कितनी असंवेदनशील है, ये बताता है कि किस प्रकार से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जा रही है। इसलिए चला चली की बेला है और इसलिए हम सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार